अल्लाहु अकबर। मस्जिद की कदर को समझो तुम, मस्जिद की तरफ तो आओ तुम। मस्जिद की कदर को समझो तुम, मस्जिद की तरफ तो आओ तुम। मस्जिद है खुदा का घर लोगो, दोज़ख से यही तो बचाती है। मस्जिद से सदा जब आती है, कानों में रस पहुँचाती है। अल्लाह की तरह बुलाती है, जन्नत की राह दिखाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। महशर में खुदा जब पूछेगा नेकी है तेरी बंदे कहाँ, महशर में खुदा जब पूछेगा नेकी है तेरी ए बंदे कहाँ। अफसोस तुझे फिर होगा वहाँ, मस्जिद की कदर अब आती है। मस्जिद से सदा जब आती है, आज हमारे छुट्टी का दिन है तो हमने समझा कि आज हम अपने बच्चों को नमाज लर्न कराएंगे। ये हमारे बच्चे तैयारी करते हुए, ये मैट बिछाते हुए हम अपने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को जमात के रूप में खड़ा करेंगे। एक बच्चा हमारा इमाम की भूमिका निभाएगा और बाकी बच्चे उस इमाम का अनुसरण करते हुए किस तरीके से रुकू होता है, किस तरीके से नमाज के अंदर सजदा होता है, किस तरीके से सलाम फेरा जाता है। आज हमारा ये स्कूल की छुट्टी के दिन में हमने सोचा इस दिन को हम इस तरीके से नमाज बच्चों को नमाज सिखाकर यूज करेंगे। हम आज इस दिन का यूज करेंगे, आज हम छोटे छोटे बच्चों को नमाज सिखाएंगे। नमाज मुसलमान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, वाकीमुस्सलाता वातुज़्ज़ाकाता, नमाज कायम करो, जकात अदा करो। उसी का अनुसरण करते हुए हम आज अपने स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को नमाज का तरीका सिखाएंगे। हमारे बच्चे ये तैयारी करते हुए नमाज की अब कुछ ही दिनों में, अब कुछ ही पल में अपने बच्चों को जमात के रूप में खड़ा करेंगे। ये अब्दुल्ला इमाम की भूमिका निभाएगा, जिस तरीके से ये करेगा आपको वैसे करना है, ठीक है। जैसा ये करेगा आपको वैसे ही करना है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है, उसमें रुकू कैसे होता है, सजदा कैसे होता है, सलाम कैसे करा जाता है, ठीक है। और जितने भी ये बड़े बड़े बच्चे जो हैं, जब अब्दुल्ला नमाज के लिए खड़ा हो सिखाने के लिए, अगर कोई बच्चा पोजिशन में ठीक नहीं आ रहा है तो बड़े बड़े बच्चों की जिम्मेदारी है उस बच्चों को सही पोजीशन में लाना, ठीक है। चलो अब्दुल्ला अब स्टार्ट करो। अल्लाहु अकबर।
अल्लाहू अकबर। سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما شاء الله الحمد لله سبحان الله بچوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے پرفیکٹ طریقے سے یہ بچوں نے دو رکعت یہ دو رکعت فجر کی فجر فجر کی فجر ٹھیک ہے اب ایک انہی بچوں میں سے ایک بہت ہی چھوٹا بچہ ہے جو بہت ہی بہتر انداز میں بہت ہی اچھی آواز میں نعت گاتا ہے اب میں چاہوں گا کہ کیول آپ کا دو منٹ ہو جائیں گے ये बच्चा नाचने भी आएगा का बड़ा आराम से प्रोग्राम दीनी तालीम का और दीन से मुताबिक लेके आएंगे। जिस दिन छुट्टी होगी हम अपने स्कूल की छुट्टी को ऐसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।